कोविड के कारण लंबे अरसे से बंद स्कूल आज से खुल गए हैं। शिक्षा विभाग ने 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को एसओपी के साथ शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद आज छात्र स्कूल पहुंचे। 5वीं और 8वीं के छात्र भी गाइडेंस के लिए स्कूल आ सकेंगे। स्कूल खुलने के पहले दिन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी व्यवस्थाओं का जायजा लेने आज शिमला के लालपानी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पहुंचे, जहाँ उन्होंने छात्रों और अध्यापकों से बातचीत की। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कोविड के मद्देनजर पहले चरण में एसओपी के साथ 9वीं से लेकर 12वीं के स्कूलों को खोला गया है, ताकि बच्चों की अच्छे से पढ़ाई हो सके। हालांकि ऑनलाइन भी स्टडी अच्छी हो रही थी, लेकिन अध्यापकों से सीधी पढ़ाई का अलग असर होता है। बच्चों ने शिक्षा मंत्री को बताया कि उन्हें स्कूल आकर उनको ज्यादा अच्छा लगा है। स्कूल खुलने पर बच्चे बहुत खुश हैं और साथ में टीचर भी बहुत खुश हैं, और ऐसे लग रहा है कि बच्चे और टीचर जब आपस में मिल रहे हैं, लग रहा है पता नहीं कितनी सदियों के बाद मिले हैं। और आज यहाँ पर स्कूल में आके लग रहा है कि टीचर्स के चेहरे पर भी बहुत प्रसन्नता और बच्चे भी बहुत प्रसन्न हैं। और मैंने बच्चों से बात की तो मैंने कहा, बच्चे घर में मजे थे या स्कूल में? तो बच्चे कहते स्कूल में। तो हमने पूछा कि पढ़ाई घर में अच्छी थी कि स्कूल में? कहते स्कूल में आके पढ़ाई और अच्छी होगी। तो देखिए, अब हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि कोरोना के मामले बढ़ने नहीं चाहिए, जिसके कारण से ये सारी स्थिति पैदा हुई है, और स्कूल हमारे ठीक प्रकार से चलते रहें, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती रहे। और बच्चे आज जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो मैंने देखा कि जो एसओपी बनाया गया है, उसी एसओपी के आधार पर स्कूल के अंदर हमारी भी एंट्री हुई है। स्कूल में आते ही बच्चों का थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, थर्मल स्कैनिंग के बाद सैनिटाइज़र लगा के रखे हैं, और फिर क्लासरूम को जाकर के हमने देखा, क्लासरूम को सैनिटाइज किया गया है, और टॉयलेट्स को दिन में 2 बार सैनिटाइज करने के आदेश दिए जा चुके हैं। अब स्कूल ने अपना माइक्रो प्लान अलग से बना रखा है, और ये हमने पूरे स्टेट में कहा है, हर स्कूल अपने स्कूल के व्यावहारिक स्थिति के आधार पर ही अपना वहाँ का जो कोविड प्रोटोकॉल है और सब चीज़ों को माइक्रो प्लान को तैयार करे, वो किया है। तो सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। आज केवल मात्र हम तो विधानसभा की ओर जा रहे थे, तो जाते जाते लगा कि ये शिमला का, मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश का शायद सबसे पुराना स्कूल हो सकता है, जो 1848 का है और ब्रिटिश के समय का चला है, और ये भवन भी लगता है कि उसी ज़माने का होगा। तो हमको लगा कि स्कूल को देख करके जाना चाहिए, और हमको बहुत अच्छा लगा बच्चों से और यहाँ के सभी अध्यापक अध्यापिकाओं से मिल करके भी। तो बाकी सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल उचित हैं। कितने, ये तो एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं कि 10वीं 11वीं 12वीं के टोटल कितने बच्चे, ये तो खैर मैं ना पूछा ना मेरे पास अभी जानकारी है। दूसरा ये है कि हर घर पाठशाला के माध्यम से जो टीचर्स ने जो प्रयास किया, बहुत अच्छा है। टीचर्स ने उसमें अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं कि किस तरह से वीडियो बनाना, कैसे अपलोड करना, कैसे अपनी वॉइस को डालना, ये सब का सब। तो हमने कहा कि ये भी काम हमारा चलता रहेगा, और इन्होंने ये भी बताया अपने एक टीचर ने कि एक अपना एक्सपीरियंस कि भाई जो वीडियो भेजी जाती है वो बच्चे के पास हमेशा के लिए रहती है। लेकिन हम ऑनलाइन शिक्षा को भी जारी रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी ये कहा गया है कि ऑनलाइन शिक्षा की ओर भी बढ़ते जाना, लेकिन पहला प्रयास तो हमारा ये रहेगा कि मैंने कहा कि ईश्वर ये कृपा करे कि कोरोना समाप्त हो जाए, ताकि हम ऐसे फिजिकल रूप में ही कक्षाओं को लगाते रहें, तो वो ज़्यादा उत्तम है। मुझे लगता है ऑनलाइन को हम जितना मर्जी एडवांस करें, लेकिन उसके बावजूद भी ये लगता है कि जो आमने सामने बैठ कर के बच्चा सीखता है, जो क्लास रूम में बैठ कर के सीखता है, शायद वो ज़्यादा उत्तम होता है। न्यू एजुकेशन बिल्कुल किया जा रहा है, और उसकी कुछ चीज़ें तो हमने कहा कि 8 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको लागू करने का फैसला करके 1 साल का समय होने वाला है। उससे पहले को हम कुछ चीज़ों को प्रारंभ करेंगे, और अभी हम लगभग 3840 स्कूलों में हमने प्री प्राइमरी की क्लासेस को प्रारंभ किया है। और उसके साथ ही है कि हिमाचल प्रदेश में अभी हमने क्लास 3rd, 5th और 8th, तो इनको भी एजुकेशन बोर्ड से इनके पेपर इत्यादि होंगे, और इसको भी हमने लागू किया है।
और कुछ चीज़ें हमने तय की जो हम 8 सितंबर से पहले पहले आपको जानकारी देंगे, जिनको हम लागू करेंगे, क्योंकि 29 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस शिक्षा नीति को लागू किया था और इस वर्ष 1 साल पूरा होने पर उन्होंने लगभग 10 प्रकार की नई चीज़ों को लॉन्च किया है जो इस शिक्षा नीति के कारण से देश में लागू होनी है। और उसी आधार पर हिमाचल प्रदेश भी केंद्र सरकार के कदमों से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ेगा।